हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता। आज मैं ये नीट का सेमिनार देने आई हूँ और आपकी जो डाउट एंड क्वेरीज हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने आई हूँ, क्योंकि नीट का फॉर्म रिलीज होके बंद हो चुका है और करेक्शन विंडो ओपन है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं नीट को लेके या मेडिकल लाइन को लेके, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसको आंसर दूंगी। मैम, नीट के फॉर्म की लास्ट डेट कब थी? 6 अप्रैल। करेक्शन विंडो ओपन है, 10th ऑफ अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। डीयू के अंदर आपके 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिन और UCMS। एनएमसी बिल आपका पास हुआ इस साल कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे और जो कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 50% जो सीट्स हैं आपको गवर्नमेंट की फीस पे मिलेंगी। आईपी में आपके 4 कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आपका बाबा साहेब अम्बेडकर, NDMC, RML और आपका वर्धमान। डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिन और UCMS। ऑल इंडिया कोटा में हम 15% के लिए एलिजिबल है। पहले आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑल इंडिया की ही स्टार्ट होती है, आप हर स्टेट में 15% के लिए एलिजिबल है। किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है। जैसे कि पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑल इंडिया की, फिर हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो आपको अवेयरनेस दिखाना होता है कि अगर आपने जिस भी स्टेट में पार्टिसिपेट करना है उसकी काउंसलिंग की डेट अलग होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका स्टेट कोटा कौन सा हुआ? दिल्ली का। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक अटेम्प्टिव डेट आती है ऑल इंडिया के बाद, क्योंकि हर काउंसलिंग की स्टेट की काउंसलिंग बिल्कुल अलग होती है। मेडिकल जैसे कि अगर आपने नीट दिया है तो आप MBBS के अलावा BDS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BMS कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि अगर आप अपने स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ऑल ओवर इंडिया में एम्स आपके 19 है और हर साल एम्स बढ़ते ही हैं आपके। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, हमें एम्स में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर लाना होगा? देखो, अगर एम्स अगर डेली की बात की जाए तो 700+ चाहिए आपको। हर एम्स की जो है 19 एम्स है तो उसके अंदर जो स्कोर और रैंक है वो अलग अलग ही होती है। गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट की फीस आपकी 5,000 से स्टार्ट होती है और लास्ट आपकी 2 लाख तक होती है। हर गवर्नमेंट की फीस अलग अलग ही होती है। आपके 52 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस सबसे हाई होती है। आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस स्टार्ट होती है 13 लाख से स्टार्ट होके आपकी 30 लाख तक जाती है। हाँ जी, कुछ रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपको फिल करने जरूरी है। जैसे IP यूनिवर्सिटी है, आप नीट सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, लेकिन अगर किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उनको पता चलेगा ना कि आप इस स्कोर के लिए एलिजिबल है। जैसे IP यूनिवर्सिटी है, नीट का स्कोर लेता है लेकिन IP का रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज और हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि IP यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो 30th अप्रैल उसकी लास्ट डेट है,
सीएमसी वेल्लोर की डेट, मतलब जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो निकल के जा चुकी है आपके, और जो फॉर्म्स है निकलने वाले हैं, बाबा फरीद का निकलेगा फॉर्म, आपके जो यूनिवर्सिटीज के हैं जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होंगे, और ओपन होने के बाद अगर आपने उनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उन यूनिवर्सिटीज के लिए या उन स्टेट के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैम नीट सिर्फ आपको क्वालिफाई देने के लिए करना होता है, लेकिन अगर एडमिशन लेना है आपने तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपने सिर्फ नीट दिया और कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उनको कैसे पता चलेगा आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया। देखो आप मैक्सिमम अगर स्कोर बोलेंगे तो आपका 500 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 500 से कम भी होगा तो आपका, क्योंकि जो कैटेगरी आपकी रिजर्वेशन होती है तो आपका क्या है स्कोर बहुत लो से लो भी आपका अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। देखो जैसे कि अगर आप चेक की रिक्वायरमेंट पूछेंगे तो वो आपसे इसलिए मांगते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन के बाद अगर आपको सीट कहीं अलॉट नहीं होती तो वो कहां पर आपका पैसा रिटर्न करेंगे, तो इसलिए आपको चेक की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बाद में वो ओपन होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं श्योर है ना, जो फॉर्म आपके निकल चुके हैं जैसे सीएमसी वेल्लोर है, साल में एक ही बार निकलता है उसका फॉर्म, अगर आपने मिस कर दिया तो बच्चे ने अगर स्कोर भी किया तो भी आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपकी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो नीट का जैसे कि फॉर्म बंद हो चुका है, करेक्शन विंडो भी कल बंद हो जाएगी, 7 मई को आपका जो है नीट का एग्जाम है, बच्चे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी है, और पेरेंट्स को कम से कम इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि जो फॉर्म्स निकले हैं हम भर लें, अगर हमें फॉर्म्स नहीं भरेंगे और बच्चे ने स्कोर भी कर लिया तो उस स्टेट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं, जैसे किम यूनिवर्सिटी का वो भी आपका निकल के बंद हो चुका है, केरला का। मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, फॉर्म्स भरने होते हैं, ये जरूरी होते हैं, पर मैम उसका अपडेट कैसे मिलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्म। मैम देखो इसकी अपडेशन अगर आपको चाहिए और आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बच्चे के रिगार्डिंग, तो आप हमारे सेंटर आ सकते हैं, हमारे 3 सेंटर है, प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार और जनकपुरी, नियर के नीचे दिए गए हेल्पलाइन में उन नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की अलग क्वेरी होती है, आज जो बच्चे बैठे हैं उनकी क्वेरीज हमने सॉर्ट आउट की है, लेकिन आपके बच्चे की जो क्वेरी है या आपकी जो क्वेरी है अगर आप सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, ये हमारा अपॉइंटमेंट बेस है। ओके थैंक यू।